हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियन आजम का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 30 है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट का एक ही क्वेश्चन ही है उसमें क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं हमको सबके जो डिजिट हैं सबका प्लेस वैल्यू बताना है कि वो कौन सी प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हमने कॉलम में डाल दिया है कि नंबर अगर पॉइंट में लिखा है तो उसको पढ़ेंगे कैसे। 6.3 ठीक है, 6.3। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, आपको डिजिट बताना है, प्लेस बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। डिजिट तो इस नंबर में कौन कौन से डिजिट यूज हुई है, 6, 1 एंड 3 ठीक है, इतनी वैल्यू यूज हुई है 6, 1 एंड 3। उसके बाद अब आपको क्या बताना है कि 6 जो है हमारा वो कौन सी प्लेस वैल्यू, तो वो यूनिट बताओ, यूनिट दूसरी वैल्यू 10th, तीसरी वैल्यू 100th, अब जितने भी नंबर हमने लिखे हैं सबके प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। अगर यूनिट पे है तो यूनिट वैसे ही लिखा जाएगा, यूनिट पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है 10th लिखा हुआ है, तो 10th में क्या होगा, 0.1। 10th मीन्स 10 से डिवाइड करने पर नंबर क्या बन जाएगा। फिर 100th में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.03। इसका डिवाइड का सोल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने कराया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ पर मैंने इजी तरीके से लिखा है कि कैसे आप डेसिमल फ्रैक्शन में लाएंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 4, 8 नेक्स्ट 4, यहाँ पे कितने डिजिट का यूज हुआ है, 4, 8, 8। ये हमने लिख लिया कितने नंबर हमने यूज किए इस क्वेश्चन में, ये हमने देखा जितने नंबर हमने यूज किया है क्वेश्चन में। अब देखें जो 4 है वो 4 कौन से प्लेस पे है, तो 10th की प्लेस पे, तो हम क्या लिखेंगे, 10th, और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 40। फिर 8 कौन से प्लेस पे यूज हुआ है, यूनिट की प्लेस पे है, हम वो सिर्फ वही नंबर लिखेंगे। अगर यूनिट पूछा जा रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th पूछा जा रहा है 10 से, ठीक है। टू डिजिट से मल्टीप्लाई करना, टू डिजिट में क्या रहेगा, 10, मतलब टू डिजिट का मतलब जो 10 है वो इसी से मल्टीप्लाई करना, आपको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर 8, अब 8 कौन सी प्लेस पे है, हम यहाँ देखेंगे तो डिसेंबर के बाद है, ठीक है, डिसेंबर के बाद पहला नंबर है, तो पहला नंबर हमारा क्या हुआ, 10, यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0.8। सेकेंड नंबर के इस प्लेस पे 100th की प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या नंबर आया, 0.04। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आपको लिखना पहले सारे वर्ड, 7, 2.5। हम इसको जब डिजिट देखेंगे कितने डिजिट का यूज होगा, 7 का 2 का 0 का एंड 5, इतने डिजिट का यूज हुआ है इसमें। पहले डिजिट जो है हमारी 7, वो 10th की प्लेस पे है, हम 10th लिखेंगे, ठीक है। उसकी प्लेस वैल्यू कितना है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 17। सेकेंड जो प्लेस वैल्यू है यूनिट पर प्लेस यूज हुआ है, यूनिट्स हम कुछ वहाँ पे लिखेंगे नहीं, केवल 2 लिखेंगे। जो 3rd नंबर है वो हमारा वो किस प्लेस पे है, वो 10th की प्लेस पर है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, केवल 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 ही आता है। 5 है, 5 कौन सी प्लेस पे यूज हुआ है, 100th की प्लेस पे, तो वहां पर क्या आएगा, 0.05।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे दोनों तीनों क्वेश्चन है सेम, बाकी के दोनों भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.4, हम इसको कैसे लिखेंगे, 3.4 किस किस डिजिट का यूज हुआ है 3 और 4 का। तो 3 जो हमारा है वो किस नंबर पर है, 3 हमारा है यूनिट पर, यूनिट। एंड 4 किस नंबर पर, 10th 5th प्लेस पर यूज हुआ है, 10th। तो हम यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट हमारे पास कितना है 3 है, एंड 10th कितना है 0.4। ठीक है, जैसे ये चारों क्वेश्चन है वैसे सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसके लिए नई वीडियो बनाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।